अज का जो डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त मोर्चा संघर्ष मोर्चे वालों ये प्रेस की गई है, यदा जोड़ा मुख्य मुद्दा है वो सब तो पहला पंजाब दे विच जो एडवोकेट जनरल है वो जो अखबारों के आया सानू पता लग्या वो अगेंस्ट असी अगेंस्ट असी जो एट्रोसिटी एक्ट लागू होंदा है वो अगे FIR दर्ज कराने की असी मंग करते हैं। उस तो अलावा मैं ये जिन्हें भी अपने सी रेजरवेशन एक्ट है वो होर सरकार उलंघना कर रही ने वो इलैक्ट जिहड़ा रेजरवेशन एक्ट लागू होना चाहिए है। एजुकेशन है जो उन्हों नंगारिया जा रहा है ता कि जेडे साडे वर्ग के जो लोग ने इन्हों प्रोपर एजुकेशन ना मिल सके उहदे बारे सानू टोटली पिछे लियाया जा रहा है। बाकी होर भी सरकार वालों हथ कंडे वरते जा रहे हैं, प्रमोशन के टोटली लागू नहीं हो रही, प्रमोशन के एजुके अपना प्रमोशन जी है रेजरवेशन एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। हाँ, एससी कमीशन के गया हो जी, अजे ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਹੈ 30 ਅਗਸਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇ ਵੀ ਹਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਸਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਉਨਕੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਅਗਰ ਜੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਵੋ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ। ਜੈਸੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਕੇ ਕਾ ਵੋ ਘਟਨਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਤੋ ਹਮ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸਕੋ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮ डिमांड करते हैं कि सभी में रिजर्वेशन इन बिन जो संविधान में है। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? प्लान में एक्शन ये होगा कि अगर ये सारा कुछ ना हुआ तो हम हमारी जो डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त मोर्चा है तो वो हम सारे मिलके एक अगला जो एक्शन होगा हम जो अगली मीटिंग करके उसके बाद हम एक बहुत बड़ा आज यहाँ से संघर्ष करने की हम विकल्प जाते हैं कि हम पंजाब सरकार के नहीं जी, वो सारा चल रहा है। हाँ जी, वो रात उन्होंने पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी ने CM साहब ने जी चतर चलाकी वरती है वो सिर्फ उन्होंने एक प्रेस के दिता है भी वो वाल्मीकि समाज को बुला लिया उन्होंने चतर चलाकी है वाल्मीकि समाज और ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SC ਸਮਾਜ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਮਾਤ ਟੂੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, SC ST OBC ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ AG ਆਫਿਸ 'ਚ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 178 ਪੋਸਟ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੇ 178 ਇਸ ਵਿੱਚ SC ਔਰ BC ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। तो नेचुरली हमारी 50-50 की लड़ाई है, इसमें 50-50 की लड़ाई है। 178 में जो हमारे 50% बनते हैं वो हमें दे दिए जाए, बाकी जनरल को हम मेरिट में भी आने के लिए कह रहे हैं, हम मेरिट को नहीं डिनाई कर रहे हैं, पर मेरिट का कोई क्राइटेरिया लाएंगे तभी मेरिट की बात करोगे ना, या उस सिद्धू के दिमाग में ही मेरिट है वही मेरिट मानी जाएगी क्या? हमारा बड़ा सिंपल सा इसमें एक क्वेश्चन है कि बिना क्राइटेरिया फिक्स करे मेरिट का कैसे बीच में दिया है? और उसने एक पूरे समाज को एक इनएफिशिएंट कैसे कह दिया, ये एक बड़ी हमारी मतलब कि हमारे ऊपर तौहीन लगा दी या दोषारोपण कर दिया कि ये एफिशिएंट नहीं है। और हम इसी में डिमांड रखते हैं कि एट्रोसिटी इसलिए बनाए है कि आप कुछ भी ना वक्त हमारे खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज ना करें, इट इज़ ए टोटली डेरोगेटरी लैंग्वेज विच ही हैज यूज्ड अगेंस्ट अस
तो वी डिमांड दैट ही शुड बी बुक्ड अंडर द प्रिवेंशन एक्ट एग्जैक्ट रिमार्क्स की सीगे जी अनमोल रतन से तो उसने ये कहा एफिशिएंसी गिर जाएगी अगर इनको हमें एडमिशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विल हैम्पर ओके तो ऐसा तो कुछ नहीं है हम वहाँ खुद प्लीड करने के लिए गए थे हमारे सामने खड़े होकर देख लेते कितनी बाजुओं में दम है हम तो कह रहे थे उनको तो विड्रा करके केस उन्होंने वो सलाह अपने आप नहीं दी थी वो सरकार ने उनसे मांगा नहीं मांगी ऐसा कुछ नहीं है ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है कि उसने अपने आप सुमोटो दिया वो चाहता था कि एजी ऑफिसर में अपने बंदे लगाऊं हिज सेल्फ इंटरेस्ट आपने वो पढ़ा दिन का रिप्लाई भी कोर्ट में उसमें लिखा हुआ है वो सरकार ने मांगा था उनसे कहां है वो लेटर कहां है जो सरकार ने मांगा था इट शुड बी ब्रॉट ऑन दी बुक ना इट शुड बी गिव ए पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो दे देना चाहिए हमें भाई यहाँ सरकार ने मांगा था हम देखते हैं ना कौन सी सरकार ने क्यों मांगा था और दूसरी बात ये बताइए कि जो आप आज एजी ऑफिस में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रापड़िया ने उठाया था उस टाइम आपने रिजर्वेशन की प्रोविजन क्यों नहीं लगाई अब तो नेशनल एससी कमीशन की रिकमेंडेटरी है मैंडेटरी तो है नहीं है नहीं नहीं इट इज ही हैज रिकमेंडेड अंडर द प्रिव्यू ऑफ द एक्ट 2006 के एक्ट में कहा गया उसकी धारा 4 जो है ना आर्टिकल 47 में वो उसमें लिख रखा देयर विल बी अ रिजर्वेशन इन एनी काइंड ऑफ एंगेजमेंट अपॉइंटमेंट जो भी टेम्परेरी है मोर देन 45 डेज की लगेगी जो इट इज इन द एक्ट इटसेल्फ आई हैव प्लीडेड एवरीथिंग देयर इन बिफोर द कमीशन देयर विद सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कोई यहाँ वो नहीं है भाई हमारे खिलाफ कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एज ऑन डेट आई हो या किसी भी हाई कोर्ट की जजमेंट एज ऑन डेट आई हो इट हैज टेकन ए 5 ईयर डिबेट करते हुए हमें अगर ऐसी बात होती तो वो जरूर लाते और यहाँ हाई कोर्ट में भी लगाते आप हाई कोर्ट की रीट देख लीजिए उसमें कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं लगा हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का विच गोज अगेंस्ट अस इट इज अ मैटर ऑफ रिजर्वेशन वी हैव उन्होंने वापस ले लिए जैसे अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे आप नेशनल यस वी आर वो रिकमेंडेटरी है बाप नहीं वो रिकमेंडेटरी है द कमीशन इज मेड फॉर दैट पर्पस ही मतलब कमीशन विल गेट इट इंप्लीमेंटेड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू गेट इंप्लीमेंटेड द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड एक्ट मेड फॉर अस सरकार तो मान ही नहीं उसके बाद स्टेट okay. कमीशन ने भी लिख दिया तो तभी धरना चलेगा तभी मोर्चा बनेगा मोर्चा इसी के लिए है ये थोड़ी कह रहे हैं सरकार ये मोर्चा इसी के लिए है और उसी को बताएंगे सरकार को भी ये कैसे रखना है 2006 का एक्ट बना हुआ है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी अपॉइंटमेंट चाहे एक दिन के लिए भी करनी हो चाहे डेली बेसिस के लिए हो उसमें रिजर्वेशन लागू होगी ये रिजर्वेशन ओन नॉट ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट दिस इज फॉर बीसी आल्सो और अब तो जनरल भी आ गए हैं तो जो जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं वो सारे ही इनएफिशिएंट हो गए हो ही कैसे किसी का उसने अनुमोलन नहीं किया मैं अप्लाई कर देता हूँ अप्लाई के ऊपर क्या पता चले कौन एफिशिएंट है कौन नॉन एफिशिएंट है कोई क्राइटेरिया है यस वी आर टेकिंग विद द हरियाणा स्टेट आल्सो We have written to the government of Haryana. There is a many letter going on with the state of Haryana. हमारी जो मेन बात है 2006 का एक्ट बना हुआ है एक्ट के अनुसार पंजाब में रिजर्वेशन देनी बनती है अगर नहीं देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है वो लेजिस्लेचर में यहाँ वो पास हुआ है लेजिस्लेचर के खिलाफ है तो इसलिए हम भगवंत मान को की सरकार को बेनती करते हैं कि ये हमें मोर्चा खोलने की हमें जदोजहद करने की ऐसी कोई मौका ना दें और हम अगला स्टेप क्या है इस हमारे प्रधान जी ने बोल दिया पहले ये आगे हम मोर्चा खोलेंगे हम वो तो उनकी फाइनल होने वाली जो मर्जी हो जाए फाइनल को ऊपर चले जाएगा हम करेंगे वी विल डू